नमस्कार जोहार राम राम इस समय देश में उत्सव का माहौल है उत्तरायण मकर संक्रांति पोंगल बीहू कितने ही त्योहारों की उमंग चारों तरफ छाई हुई है इस उत्साह को आज का यह आयोजन और शानदार जानदार बना दिया और आपसे बात करके मेरा भी उत्सव बन गया आज एक और जब अयोध्या में दीपावली मनाई जा रही है तो दूसरी ओर एक लाख अति पिछड़े मेरे जनजातीय भाई बहन जो मेरे परिवार के ही सदस्य हैं मेरे इन जनजातीय परिवार अति पिछड़े जनजातीय परिवार उनके घर दिवाली मन रही है यह अपने आप में मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी है आज उनके बैंक खाते में पक्के घर के लिए पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं मैं इन सभी परिवारों को बहुत बहुत बधाई देता हूं मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देता हूं और मुझे पुण्य कार्य करने के लिए निमित्त बनने का अवसर मिलता है यह भी मेरे जीवन में बहुत आनंद की बात है साथियों आज आज से आपके घरों का काम शुरू होने जा रहा है मुझे विश्वास है कि इस साल की दीपावली आप अपने घरों में जरूर मनाएंगे तो जल्दी से जल्दी मकान का काम कीजिए बीच में बारिश आ जाए तो भी अभी से तैयारी कर लीजिए पक्का कर लीजिए कि इस बार दिवाली अपने पक्के नए घर में मनानी है देखिए अभी कुछ दिनों के बाद 22 जनवरी को रामलला भी अपने भव्य और दिव्य मंदिर में हमें दर्शन देंगे और मेरा सौभाग्य है कि मुझे अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में बुलाया है तो ये आप सबके आशीर्वाद से ऐसा सौभाग्य मिलता है इन दिनों ये जब इतना बड़ा काम है आपने इतना बड़ा मुझे दायित्व दिया है तो मैंने भी ग्यारह दिन व्रत अनुष्ठान का एक संकल्प किया हुआ है श्री राम का ध्यान स्मरण कर रहा हूँ और आप तो जानते ही हैं जब आप प्रभु राम का स्मरण करेंगे तो माता शबरी की याद आना बहुत स्वाभाविक है साथियों श्री राम की कथा माता शबरी के बिना संभव ही नहीं है अयोध्या से जब राम निकले थे तब तो वो राजकुमार राम थे लेकिन राजकुमार राम पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम इस रूप में हमारे सामने आए क्योंकि माता शबरी हो केवट हो निषाद हो न जाने कौन कौन थे लोग जिनका सहयोग जिनका सानिध्य राजकुमार राम को प्रभु राम बना दिया दशरथ पुत्र राम दिनबंधु राम तभी बने सके जब उन्होंने आदिवासी माता शबरी के बेर खाए रामचरित मानस में कहा गया है कह रघुपति सुनू भामिनी बाता मानू एक भक्ति कर नाता यानी भगवान श्री राम ने अपने भक्त से सिर्फ भक्ति के संबंध को सबसे बड़ा कहा है त्रेता में राजा राम की कथा हो या आज की राज कथा बिना गरीब बिना वंचित बिना वनवासी भाई बहनों के कल्याण के संभव ही नहीं है इसी सोच के साथ हम लगातार काम कर रहे हैं हमने दस साल गरीबों के लिए समर्पित किए दस साल में गरीबों को चार करोड़ से पक्के घर बनाकर दिए हैं जिनको कभी किसी ने पूछा नहीं उनको मोदी आज पूछता भी है पूजता भी है साथियों सरकार आप तक पहुंचे सरकार की योजनाएं अति पिछड़े मेरे जनजातीय भाई बहन तक पहुंचे यही पीएम जनमत पीएम जनमन ये पीएम जनमन महाअभियान का उद्देश्य है और सिर्फ दो महीने में ही पीएम जनमन महाअभियान ने वो लक्ष्य हासिल करने शुरू कर दिए हैं जो पहले कोई नहीं कर सका मुझे याद है जब ठीक दो महीने पहले भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती पर सरकार ने यह अभियान शुरू किया था तो हम सबके सामने चुनौती कितनी बड़ी थी हमारे अति पिछड़े मेरे जनजातीय साथी जो दूर सुदूर जंगलों में रहते हैं जो दूर ऊंचे पहाड़ों पर मुश्किल परिस्थितियों में रहते हैं जो बॉर्डर के सीमा के क्षेत्रों में रहते हुए दशकों से विकास का इंतजार कर रहे हैं जिन तक पहुंचना भी सरकारी मशीनरी के लिए बहुत कठिन होता है उन लोगों तक पहुंचने के लिए इतना बड़ा अभियान हमारी सरकार ने शुरू किया है और मैं जिले के सभी सरकारी अधिकारी राज्यों के सरकारी अधिकारी उन सबको सच्चे दिल से बहुत बधाई देता हूं कि इतना बड़ा काम जो 75 साल तक हम नहीं कर पाते थे अफसरों ने मन बना लिया मेरी बात का साथ दिया और आज गरीब के घर दिवाली की संभावना पैदा हुई देश में बहुत से लोग कल्पना तक नहीं कर सकते कि हमारे ये भाई बहन कितनी कठिनाइयों में रहते हैं प्रदूषित पानी की वजह से आप लोग कैसी कैसी बीमारियों का शिकार होते हैं आपके बच्चों पर संकट रहा है इस पर इस पर जितना ध्यान देना चाहिए उतना नहीं दिया गया बिजली नहीं होने से कभी सांप कभी बिच्छू कभी जंगली जानवर का खतरा गैस कनेक्शन ना होने से रसोई में लकड़ी के धुएं से होने वाला नुकसान गांव तक तो सड़क न होने से कहीं पर भी आना जाना बहुत बड़ा सिरदर्द होता था इस संकट इस परेशानी से ही तो मुझे अपने इन गरीब जनजातीय भाई बहनों को बाहर निकालना है अब ऐसी मुसीबतों में आपके मां बाप को रहना पड़ा आपके पूर्वजों को रहना पड़ा मैं आपको ऐसी मुसीबत में रहने नहीं दूंगा आपके आने वाले पीढ़ी के लिए भी ऐसी मुसीबत में जीना पड़े ये स्थिति हमें मंजूर नहीं है और आप जानते हैं इस अभियान का नाम जनमन क्यों रखा गया है जन मतलब आप सभी जनता जनार्दन जो मेरे लिए ईश्वर का रूप है आप सभी जनजातीय भाई बहन और मन यानी आपके मन की बात अब मन मारकर नहीं रहना है अब आपके मन की बात पूरी होगी और इसके लिए सरकार ने भी मन बना लिया है ठान लिया है इसलिए सरकार पीएम जनमन महाअभियान पर तेईस हजार करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने जा रही है साथियों हमारे देश का विकास तभी हो सकता है जब समाज में कोई छूटे नहीं हर किसी तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे हमारे अति पिछड़े जनजातीय समुदाय के भाई बहन देश के करीब करीब 190 जिलों में रहते हैं सिर्फ दो महीने के भीतर सरकार ने ऐसे अस्सी हजार से ज्यादा अति पिछड़े मेरे जनजातीय परिवारजन मेरे भाई बहनों को खोज करके उन्हें आयुष्मान कार्ड दिया जो अब तक उन तक पहुंचा ही नहीं था इसी तरह सरकार ने अति पिछड़े जनजातीय समुदाय के करीब हजार किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि से जोड़ा है इस अभियान के दौरान चालीस हजार ऐसे साथी भी मिले जिनके पास अब तक बैंक खाता ही नहीं था अब सरकार ने इनको बैंक खाता भी खुलवाया है ऐसे ही तीस हजार से ज्यादा वंचितों को किसान क्रेडिट कार्ड दिए गए हैं करीब ग्यारह हजार को वन अधिकार एक्ट के तहत जमीन के पट्टे दिए गए हैं और ये आंकड़े अभी पिछले दो महीनों के ही हैं अभी तो हर दिन इस संख्या में वृद्धि हो रही है सरकार पूरी ताकत लगा रही है कि हमारे अति पिछड़े जनजातीय भाई बहनों तक सरकार की हर योजना जल्द से जल्द पहुंचे मेरा कोई अति पिछड़ा भाई बहन अब सरकार की योजना के लाभ से छूटेगा नहीं मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं और ये मोदी की गारंटी है और आप जानते हैं कि मोदी की गारंटी यानी मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी साथियों इसी कड़ी में आज आप सभी अति पिछड़े जनजातीय भाई बहनों को पक्के मकान देने की शुरुआत हुई है अभी इस कार्यक्रम में एक लाख जनजातीय लाभार्थियों के बैंक खाते में पक्के घर बनाने के लिए सरकार ने सीधे पैसे ट्रांसफर किए हैं आपको अपना घर बनाने के लिए लगभग एक एक घर के लिए ढाई लाख रुपए सरकार से मिलेंगे और हां बस घर ही नहीं मिलेगा इतने से बात रुकने वाली नहीं है बिजली का कनेक्शन मिलेगा ताकि आपके बच्चे पढ़ सके आपके सपने पूरे हो सके आपके नए घर में साफ पानी की व्यवस्था हो ताकि कोई बीमारी हमारे घर में न आए और वो कनेक्शन भी मुफ्त दिया जाएगा माताओं बहनों को बाहर खुले में सोच जाना पड़ता है उनके लिए वो कितनी मुसीबत होती है अंधेरे का इंतजार करना पड़े सुबह सूरज निकलने से पहले जाना पड़े और सम्मान को भी चोट पहुंचे हर मेरी माताओं बहनों को सम्मान मिले इसलिए हर घर में शौचालय भी होगा खाना बनाने के लिए रसोई गैस का कनेक्शन भी होगा और ये सब कुछ मकान तो मिलेगा ही साथ साथ ये व्यवस्थाएं भी मिलेगी और मेरी माताएं बहने जरा सुनिए ये तो अभी शुरुआत हुई है आज एक लाख लाभार्थियों को अपने घर का पैसा मिला है एक एक करके हर लाभार्थी तक चाहे वो कितनी भी दूर क्यों न हो हमारी सरकार उस तक जरूर पहुंचेगी और ये जब मैं कह रहा हूं तो मैं फिर एक बार आपको कहता हूं ये मोदी की गारंटी है और आज मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सबको हर अति पिछड़े जनजाति लाभार्थी को एक और भरोसा देना चाहता हूं आपको अपना घर बनाने के लिए इसका पैसा पाने के लिए किसी को भी एक भी रुपये नहीं देना है कोई भी आपसे पैसे मांगे तो पैसा केंद्र सरकार भेज रही है उसमें से हिस्सा मांगे तो आप एक भी रुपया किसी को मत देना मेरे भाइयों बहनों ये पैसों पर हक आपका है कोई बिचौलिए का नहीं है मेरी बहनों और भाइयों मेरे जीवन का बहुत लंबा वक्त आप सभी मेरे आदिवासी भाई बहनों के बीच गुजरा है मुझे आपके बीच रहने का सौभाग्य मिला है शहरों कस्बों से दूर घनी आबादी से दूर रहते हुए आप सब जनजातीय लोग जिस तरह की मुश्किलों का सामना करता है इसका मुझे भली भांति एहसास है पीएम जनमन महाअभियान शुरू करने में मुझे इन अनुभवों से बहुत मदद मिली इसके उपरांत इस अभियान को शुरू करने में मुझे बहुत बड़ा मार्गदर्शन हमारे देश की राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी से मिला है हमारी राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी आप आदिवासी भाई बहनों के बीच से ही आई है उन्होंने भी आप लोगों के बीच पूरा जीवन बिताया है उनसे मुलाकात के दौरान वो अक्सर मुझसे आप सभी लोगों के बारे में विस्तार से बताया करती थी और इसलिए ही हमने पीएम जनमन महाअभियान शुरू करके आपको हर परेशानी से मुक्त करने का संकल्प लिया है मेरे परिवारजनों आज देश में वो सरकार है जो सबसे पहले आपके बारे में आप जैसे मेरे गरीब भाई बहनों के बारे में दूर सुदूर जंगलों में रहने वाले मेरे भाई बहनों के बारे में सोचती हैं आज देश में वो सरकार है जो गरीबों की मुश्किलें कम करने के लिए काम करती है जिनके पास कुछ नहीं है सबसे पहले हम उनके सुख दुख की चिंता कर रहे हैं जिसका कोई नहीं मोदी उसके लिए खड़ा है पहले सरकारी योजनाओं से जुड़े नियम इतने कठिन होते थे कि योजनाओं का पैसा और योजनाओं का लाभ आप तक पहुंच ही नहीं पाता था और एक दिक्कत यह थी कि योजना कागजों पर चलती रहती थी और असली लाभार्थी को यह पता ही नहीं चलता था कि ऐसी कोई योजना शुरू भी हुई है जिसको योजना का पता चल भी जाता था उसे लाभ पाने के लिए कितनी मुश्किलें आती थी यहां अंगूठा लगाओ फलाने पे साइन लाओ ये पर्चा दिखाओ आज नहीं कल आओ न जाने क्या क्या सुनना पड़ता था अब पीएम जनमन मन महाअभियान के में हमारी सरकार ने ऐसे सभी नियम बदल दिए हैं जिससे आपको परेशानी होती थी पिछड़ी जनजातियों के गांवों तक आसानी से सड़क बने इसके लिए सरकार ने पीएम ग्राम सड़क योजना के नियम बदल दिए जब सड़कें बनती हैं तो स्कूल जाना भी आसान हो जाता है बीमारी के समय कोई मुसीबत आ जाए अस्पताल पहुंचना है तो अगर रास्ता है तो जिंदगी बच जाती है सरकार ने मोबाइल मेडिकल यूनिट से जुड़ा नियम भी बदल दिया पिछड़ी जनजातियों के हर परिवार तक बिजली पहुंचे इसके लिए विशेष तौर पर उन्हें सोलर पावर वाले कनेक्शन दिए जा रहे हैं आपके क्षेत्र में युवाओं को दूसरे लोगों को तेज इंटरनेट कनेक्शन मिलता रहे इसके लिए सैकड़ों नए मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं साथियों हम अब जो कर रहे हैं उसमें आपकी हर चिंता का ख्याल रखा जा रहा है आपको भोजन की दिक्कत ना हो इसके लिए अब मुफ्त राशन वाली योजना को पांच साल के लिए बढ़ा दिया गया है आपके बच्चों की अच्छी पढ़ाई हो सके वो कुछ काम सीख सके और अपना जीवन अच्छा कर सके उन्हें नौकरी मिल जाए इन सब के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है जनजातीय इलाकों में सरकार की सुविधाएं एक ही इमारत में देना भी उतना ही जरूरी होता है इसलिए सरकार की कोशिश ऐसे एक हजार केंद्र बनाने की है जहां एक ही जगह आपको कई योजनाओं का लाभ मिल जाए टीका लगाने का काम हो दवाइयां लेनी हो डॉक्टर को दिखाना हो रोजगार स्वरोजगार से जुड़ी ट्रेनिंग हो आंगनवाड़ी भी वही हो तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी पिछड़ी जनजातियों के नौजवान अच्छे से पढ़ाई कर सके इसके लिए सरकार नए हॉस्टल बनवा रही है पिछड़ी जनजातियों के लिए सैकड़ों नए वन धन विकास केंद्रों को भी बनाने का काम शुरू किया जा रहा है मेरे परिवारजनों आजकल आप देख रहे हैं कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी गांव गांव पहुंच रही है ये गाड़ी देश के आप जैसे लोगों को विभिन्न योजनाओं से जोड़ने के लिए ही चलाई जा रही है केंद्र सरकार जो आकांक्षी जिला एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चला रही है उसका सबसे बड़ा लाभ हमारे आदिवासी भाई बहनों को ही मिला है हमने आदिवासी इलाकों तक बिजली और सड़क पहुंचाई हमने ऐसी व्यवस्था की है कि एक राज्य का राशन कार्ड दूसरे राज्य में भी चल जाए ऐसे ही आयुष्मान भारत योजना है इस योजना के तहत आपको देश भर में कहीं पर भी मुफ्त इलाज मिलेगा ही मिलेगा साथियों सिकल सेल अनीमिया के खतरों से आप सभी अच्छी तरह परिचित हैं। इस बीमारी से आदिवासी समाज की कई कई पीढ़ियां प्रभावित रही है अब सरकार कोशिश में जुटी है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाली ये बीमारी जड़ से ही समाप्त हो इसलिए हमारी सरकार ने देश भर में एक अभियान शुरू किया है इसलिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान भी सीकल सेल की जांच की जा रही है पिछले दो महीनों में 40 लाख से ज्यादा लोगों का सीकल सेल परीक्षण किया जा चुका है मेरे परिवारजनों हमारी सरकार अपने जनजातीय भाई बहनों के सपनों को पूरा करने के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही अनुसूचित जनजाति से जुड़ी योजनाओं का बजट हमारी सरकार ने पांच गुना ज्यादा बढ़ा दिया है आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए पहले जो छात्रवृत्ति मिलती थी अब उसका कुल बजट भी ढाई गुना से ज्यादा कर दिया है दस साल पहले तक हमारे देश में आदिवासी बच्चों के लिए केवल नब्बे एकलव्य मॉडल स्कूल थे जबकि हमने बीते दस साल में 500 से ज्यादा नए एकलव्य मॉडल स्कूल बनाने का काम शुरू किया है आदिवासी बच्चे सिर्फ स्कूली पढ़ाई करके रुक जाएं, ये सही नहीं अति पिछड़े जनजाति समाज के बच्चे जब एम ए बी ए और बड़ी क्लास की पढ़ाई पूरी करेंगे बड़ी कंपनियों में काम करने के लिए जिस पढ़ाई की जरूरत होती है वो पढ़ाई करेंगे तब हमारे लिए खुशी की बात होगी इसके लिए आदिवासी इलाकों में कक्षाओं और आधुनिक बनाया जा रहा है उच्च शिक्षा के केंद्र बढ़ाए जा रहे हैं साथियों पूरे आदिवासी समाज की आबंदनी कैसे बढ़े इनकम कैसे बढ़े इसके लिए हम हर स्तर पर कोशिश कर रहे हैं आदिवासी साथियों के लिए वन उपज बहुत बड़ा सहारा है 2014 से पहले करीब 10 वन उपजों के लिए ही एमएसपी तय की जाती थी हम लगभग नब्बे वन उपजों को एमएसपी के दायरे में लाए हैं वन उपजों के अधिक से अधिक दाम मिले इसके लिए हमने वन धन योजना बनाई आज इस योजना के लाखों लाभार्थियों में बहुत बड़ी संख्या बहनों की है बीते दस वर्षों में आदिवासी परिवारों को तेईस लाख पट्टे जारी किए जा चुके हैं हम जनजातीय समुदाय के हाट बाजार को भी बढ़ावा दे रहे हैं हमारे आदिवासी भाई जो सामान हाट बाजार में बेचते हैं वही सामान वो देश के दूसरे बाजारों में बेच पाए इसके लिए भी कई अभियान चलाए जा रहे हैं साथियों मेरे आदिवासी भाई बहन भले ही दूर दराज के इलाके में रहते हो लेकिन दूरदृष्टि कमाल की होती है अभी अभी हमने अनुभव किया जिन लोगों से बात किया आज आदिवासी समाज देख और समझ रहा है कि कैसे हमारी सरकार जनजातीय संस्कृति और उनके सम्मान के लिए काम कर रही है हमारी ही सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया हमारी ही सरकार पूरे देश में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के दस बड़े संग्रहालय बना रही है मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपके मान सम्मान आपके सुख सुविधा के लिए हम ऐसे ही पूरे समर्पण भाव से लगातार काम करते हैं करते रहेंगे एक बार फिर इतनी बड़ी तादाद में आप मेरे आदिवासी भाई बहन मुझे आशीर्वाद देने आए ऐसा लग रहा है जैसे माता शबरी के आशीर्वाद मुझे मिल रहे हैं मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद